हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो पायनियरिंग बायोलॉजिकल साइंसेज। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बोर्ड के लिए और हर क्लास के लिए। रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में ही आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो ग्रेजुएशन की बात कर लीजिए, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लीजिए, या फिर जूनियर क्लासेस में 9th 10th में कि वॉट इज रेड ड्रॉप एंड वॉट इज इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। ये फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में आता है कि रेड ड्रॉप क्या है और इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या है, जिसके बेसिस पे रॉबर्ट इमर्शन ने ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। द वन इज कॉल्ड PS1 एंड अदर वन इज PS2, दैट इज फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, फोटो एक्ट फर्स्ट और सेकेंड। तो ये जो है कैसे वर्क करता है, किसको हम लोग रेड ड्रॉप कहेंगे, क्या स्टेप होगा आपका इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट का, ये हम लोग आज बात करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। चलिए देखते हैं रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। ओके, जैसे नाम यहाँ पे शो हो रहा है इमर्शन, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट इमर्शन, जिसके बेसिस पे इसको बोला गया है इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो साइंटिस्ट है रॉबर्ट इमर्शन, दैट इज कॉल्ड इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। क्या है ये, तो एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, कैसे इन्होंने ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, द वन इज कॉल्ड फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड अदर वन इज कॉल्ड फोटोसिस्टम सेकंड। कैसे बताया, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, यह पूरा एक्सपेरिमेंट यहां पे समझा रहे हैं। आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं या फिर नोट्स के लिए कमेंट करिए तो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। सपोज दैट ये लीफ है, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, स्पाइनच, जो पालक है, जो स्पाइनच है, उसकी लीव्स को लिया और उसकी लीव्स से क्या किया इन्होंने, आइसोलेट द क्लोरोप्लास्ट। ये कैसे किया गया, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन आता है जो हम लोग अपने लेक्चर्स में आगे कवर कर लेंगे कि हम कैसे सेल को डिसइंटीग्रेट करके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हम लोग रिलीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये स्पाइनच लिया, स्पाइनच से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और उस क्लोरोप्लास्ट को एक बीकर में लिया, बीकर लिया, यहां पे क्या किया इन्होंने, वाटर, ठीक है, यहां पे क्लोरोप्लास्ट जो आइसोलेट किया था, ठीक है, तो दो चीजें तो हो गई, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, अब और क्या चाहिए, इसको प्रोवाइड किया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी दी गई, अब क्या बचा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बचा हुआ है, लाइट बची हुई है। हमने क्लोरोप्लास्ट दे दिया, हमने वाटर मिला दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, यहां पे क्या कर रहे हैं, लाइट, इस जगह पर लाइट को इंसिडेंट किया गया। अब ये लाइट कौन सी थी, ये लाइट इन्होंने डाली यहां पे रेड लाइट। आप लोगों ने विबग्योर देखा होगा, विबग्योर में क्या होता है, जो लास्ट में रेड लाइट होती है उसके थोड़ा सा पहले का जो रीजन है वो फॉर रेड लाइट होगा। तो रेड लाइट विजिबल रीजन में आता है ना, विजिबल में आपकी जो भी लाइट्स हैं, यहां की रेड लाइट, रेड लाइट को यहां पे इंसिडेंट किया, तो चारों चीजें प्रेजेंट हो गई, क्लोरोप्लास्ट, वाटर, रेड लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, इट स्टार्ट्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सब चीजें अवेलेबल हैं, यहां पे फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। ऑक्सीजन निकलने लगी,
कुछ समय के बाद आफ्टर अ फ्यू आवर अ फ्यू हाफ एन आवर होता क्या है कि जो ऑक्सीजन का निकलना है वो कम होता है और लास्ट में जाके बंद हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें कि जब क्लोरोप्लास्ट लिया गया, वाटर लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड दी गई, रेड लाइट दी गई, तो इन दिस ऑल द प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कुछ समय के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स ऑक्सीजन का निकलना बंद हो जाता है, या पहले कम होगा फिर वो बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इवोल्यूशन में ड्रॉप हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, इवॉल्व होने के बाद क्या हुआ, आफ्टर फ्यू आवर्स ऑक्सीजन का निकलना बंद हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में ड्रॉप हुआ। क्यों ड्रॉप हुआ, रेड लाइट से। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। तो ये एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में आता है कि व्हाट इज रेड ड्रॉप। तो व्हाट इज रेड ड्रॉप, ड्रॉप इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आप पूरे एक्सपेरिमेंट को शो कर सकते हैं और इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि रेड ड्रॉप क्या है। सिंपल भाषा में, रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया का कम होना रेड ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब आता है इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, ये क्या होगा। सेम एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं किया इन्होंने, इमर्शन ने क्या किया कि इसी एक्सपेरिमेंट में यहां पर अब फॉर रेड लाइट भी दे दी, विजिबल लाइट में जो आर होता है, जो रेड होता है उसके पहले का रीजन, ठीक है, फॉर रेड लाइट ये भी दे दी इसको। तो अब कौन सी लाइट पड़ रही है, दो लाइट हो गए, रेड लाइट एंड फॉर रेड लाइट। तो जैसे ही फॉर रेड लाइट दी गई, ऑक्सीजन का निकलना इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर रेड लाइट इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीजेस, इनहेंस हो रहा है। क्या हो गया, इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट। तो बहुत सिंपल था ये, रेड ड्रॉप क्या है और इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है। इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर रेड लाइट इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इनहेंस इज कॉल्ड इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट। तो ये कैसे हुआ, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रॉबर्ट इमर्शन ने यह बताया कि क्लोरोप्लास्ट में दो सिस्टम होते हैं, एक एक्टिवेट होता है रेड लाइट पे और एक एक्टिवेट होता है फॉर रेड लाइट पे, जिसको हम लोग फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैरीड बाय द रॉबर्ट इमर्शन, इट प्रपोज दैट टू फोटोसिस्टम इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, द वन इज कॉल्ड फोटोसिस्टम फर्स्ट, अदर वन इज कॉल्ड फोटोसिस्टम सेकंड। इसको हम लोग फोटो एक्ट फर्स्ट या PS1 भी कहते हैं और इस वाले को फोटो एक्ट सेकंड या PS2 भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो प्रकाश कर्म फर्स्ट, प्रकाश कर्म द्वितीय, ठीक है, प्रथम और द्वितीय हो जाएगा। तो ये उसका एक मॉडल है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, फोटोसिस्टम सेकंड में क्या होता है, ये इसके रिएक्शन सेंटर्स हैं। जैसे हम लोगों ने बात की थी क्लोरोफिल एक्साइटेशन मॉलिक्यूल के विषय में, तो यहाँ पर लाइट फॉल होती है और जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपग्रेड होते हैं सेकंड सिंगुलर स्टेट में, फर्स्ट में, फिर मेटास्टेबल स्टेज में, तो ये सारे स्टेज में जाते हैं। तो रेड लाइट और फॉर रेड लाइट, ये पूरा PS1 के बारे में, PS2 के बारे में, इनको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। तो PS1 का रिएक्शन सेंटर P700, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई द साइंटिस्ट क्लेटॉन, एंड दिस वन इज P680, इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ द PS सिस्टम सेकेंड। यहाँ पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी, इस तरह से बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो नंबर दिए हैं 695, 680, 670, 650, दैट इज द नैनोमीटर ऑफ द एंगस्ट्रॉम ऑफ द वेवलेंथ।
इस इंडोस्ट्रॉन की ये वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब करेंगे, कैरोटीन का मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब इसमें, और यहाँ पर रेड लाइट की वजह से एक्टिवेट होता है, फाइकोब्लेंसिस के कंपाउंड्स होते हैं। तो PS1 और PS2 ये दोनों काम करते हैं तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द किसमें था, रेड ड्रॉप क्या होता है, इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है, और क्या सीखा हम लोगों ने, फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, दिस इज अबाउट द रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ, समझ में आया है, बहुत सिंपल वे में समझाया गया है कहाँ पे हम रेड ड्रॉप कहेंगे, कहाँ पर इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट कहेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस व्हेन वी अपलोड द न्यू लेक्चर्स ऑन दिस चैनल। ओके, थैंक यू।